दोस्तों, आज का ये वीडियो पतले लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिन्हें यूज करके आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मोटे लोग इन नुस्खों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप और मोटे हो जाएंगे। ये नुस्खे सिर्फ़ और सिर्फ पतले लोगों के लिए हैं, सिर्फ वही लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नुस्खा, भैंस का दूध 250 ग्राम, चीनी 2 चम्मच, केले 2, किशमिश 10। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को मिलाकर शेक बना लें और सुबह नाश्ता करने के बाद आप इसे पी लें। ऐसा एक महीने तक करने से वजन तेज़ी से बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके पास मिक्सी का इंतज़ाम नहीं है तो आप इन सारी चीज़ों को ऐसे भी खा सकते हैं, शेक बना के पी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा नुस्खा, दोस्तों 2 चम्मच देसी घी लें, इसमें 2 चम्मच शक्कर या पिसी हुई मिश्री को मिला करके रात को सोने से पहले खाएं। ऐसा प्रतिदिन करने से दुबला पतलापन जल्दी दूर हो जाता है और शरीर मोटा होने लगता है। तीसरा नुस्खा, 50 ग्राम काले चने और 25 ग्राम किशमिश को रात में पानी में भिगोकर रख लें और सुबह खाली पेट इन दोनों चीज़ों को खा लें, वजन तेज़ी से बढ़ने लगेगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क महसूस होने लगेगा। चौथा नुस्खा, दोस्तों 50 ग्राम नारियल की गिरी और 50 ग्राम भुनी हुई मूंगफली को रोज़ शाम को 5 बजे के करीबन खाएं। ऐसा कुछ दिन तक करने से चेहरे पर चमक आ जाएगी और वजन भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। दोस्तों, नारियल और मूंगफली में काफ़ी हेल्दी फैट होते हैं जो कि वजन बढ़ाने में कारगर हैं। तो दोस्तों, इन चारों नुस्खों को अपनाकर आप एक महीने के अंदर काफ़ी अच्छा वेट गेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हेल्थ से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।